जो टॉपिक है उसमें रिडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इस वर्ड की टॉपिक हम चल रहे थे, तो पहले मैं बता दूं हम कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो, तो पहले बता दूं हम केमिकल रिएक्शन पे चल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। और उस केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमने कल देखा था टॉपिक अपना रिडक्शन, और आज का जो टॉपिक है अपना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। ठीक है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ध्यान होने चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और
ये इधर जाता है तो दोनों कार्बन बराबर हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे तैयार है। अब बात है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या डिफरेंट। तो देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कोई भी करा सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम आते हैं, लेकिन कीटोन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं आते। वापस बोल रहे हैं, एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम आते हैं लेकिन कीटोन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं आते। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, कीटोन से नहीं करते। कौन कौन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा एजेंट है फैलिन सॉल्यूशन, थर्ड रिएजेंट जो है वो आपका आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक जो है वो आपका है फैलिन सॉल्यूशन। ये दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके रिएक्शन करते हैं। वो कैसे देखो, एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है और टॉलेंस रिएजेंट को मैंने बोला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये टॉलेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की ये टेस्ट दे।
ये बनने से हमें पता चल जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर मैं कहूँ कि इसका टेस्ट सेलिंग सॉल्यूशन से हो सकता है या C6H5CH होगा तो नहीं, क्योंकि एक ऐसा एल्डिहाइड है एरोमेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करती है। तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन अगर कोई करता है तो वो आपका करता है एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से और टॉलेंस रिएजेंट से दोनों रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं तीसरा जो टेस्ट है वो है आपका कि अगर एक साइड कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड मिथाइल ग्रुप हो चाहे एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन में हो तो उसकी रिएक्शन कैसे होती है। वो टेस्ट आपके सामने है आइटोफोन टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट हम आपके सामने मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे और थर्ड टेस्ट है आपका आइटोफोन टेस्ट। टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं।